वेलकम बे गाइस, आज हम क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर 2 का पार्ट 5 पढ़ेंगे। अब हमें फाइकोमाइसीट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जो फंगस का बचा हुआ पार्ट था वो यहाँ इस वीडियो में हम कवर कर देंगे। तो पहले बात करते हैं फाइकोमाइसीट्स की। मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसीट्स आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट, ठीक है, पानी वाले एरिया में मिलते हैं, एंड ऑन डिकेइंग वुड, जो वुड सड़ रही है, गल रही है, उसमें भी मिलते हैं, ठीक है, इन मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस। डैम मतलब क्या होता है, लिटिल वेट, गीले गीले प्लेसेस जो रहते हैं वहां पे भी ये होती है। और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स, ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो पैरासाइट होता है ना, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, तो इसका मतलब ये पैरासाइट ना बिना होस्ट के अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकता। मतलब ऑब्लिगेट पैरासाइट को होस्ट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, तभी वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर पाएगा, ठीक है। द माइसीलियम इज एसेप्टेट, ठीक है, तो जो माइसीलियम होता है उसमें एसेप्टेट होता है। एसेप्टेट मतलब उसमें सेप्टा नहीं मिलता है, हमने पढ़ा है। और क्या होता है, कोइनोसिटिक होता है, मतलब कि मल्टी सेलुल मल्टी न्यूक्लेटेड होता है ये, ठीक है। एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर्स, ठीक है, एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स से होगा जो कि मोटाइल होंगे, और बाय एप्लानोस्पोर्स जो कि नॉन मोटाइल होंगे, नाम ध्यान रखना, ठीक है। दीज स्पोर्स आर एंडोजेनसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। अब क्या होता है, ये जो स्पोर्स होते हैं, जू स्पोर्स या एप्लेनोस्पोर्स, ये किस में प्रोड्यूस होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम में, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फाइकोमाइसिट्स के जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, एक क्या एस्परगिलस, ठीक है, ये है एस्परगिलस। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, ये फ्रूटिंग बॉडी का स्ट्रक्चर है, इस तरीके से फ्रूटिंग बॉडी है। इस फ्रूटिंग बॉडी में आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा अंदर, जिसे बोलते हैं स्पोरेंजियम, ठीक है ना। और इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, जो स्पोर्स है वो प्रोड्यूस होते हैं। देन आगे पढ़ते हैं, अ जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। अब यहां पे क्या बनता है, एक जाइगोस्पोर बनता है जो कि दो गैमेट्स के फ्यूजन से बनता है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, देखो सबसे पहले यहां से देखना है ये वाला स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, एक तो ये वाली हाइफी हो गई और एक ये हाइफी हो गई, ठीक है। अगर देखो कंफ्यूजन है आपको, हाइफी क्या होता है, माइसीलियम क्या होता है, सेप्टेट एसेप्टेट, तो आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं, वहां पे एक्सप्लेन्ड है। अब यहां पे क्या होता है, मान लो ये एक फंगस की हाइफी है और ये दूसरे फंगस की हाइफी है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आपस में मीटिंग करते हैं। अब मीटिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आगे पे क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं। तो ये गैमेट्स मैंने यहाँ पे बना रखे हैं जो कि लाल कलर से, ठीक है ना। इसके आगे भी ऐसे गैमेट बनेंगे, इसके आगे भी गैमेट्स बनेंगे। अब क्या होगा, ये जो गैमेट्स हैं आपस में फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होने के बाद ये क्या बना देंगे, जाइगोट। तो यहाँ पे जाइगोट बन गया, ठीक है। जाइगोट बनने के बाद क्या होता है, ये लिखा है ना, फ्रॉम जाइगोट जाइगोस्पोर फॉर्म्ड। अब ये जाइगोस्पोर क्या होता है, जाइगोस्पोर होता है ये जो बीच में ऐसे मैंने बड़ा सा स्ट्रक्चर बना रखा, ठीक है ना। जाइगोट के बाद क्या बनेगा, जाइगोस्पोर बनेगा। और फिर ये जो जाइगोस्पोर है ना, इससे क्या होगा, नया हाइफी बन जाएगा। तो ये लिख रहा है ना न्यू हाइफी, ऐसे करके ये ऊपर को जा रहा है, ये क्या बन गया, न्यू हाइफी बन गया, ठीक है ना। तो देखो ये चीजें जो है इसमें, मतलब आपको एक पैटर्न से समझना है। सबसे पहले दो डिफरेंट फंगी हैं, उनकी हाइफी आपस में मेटिंग के लिए तैयार हैं। हाइफी में क्या बनेगा, आगे गैमेट्स बनेंगे, वो गैमेट्स मिलेंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से क्या बनेगा, एक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं जाइगोस्पोर, और जाइगोस्पोर जर्मिनेट करने के बाद यहाँ पे न्यू हाइफी बना देगा, मतलब न्यू फंगस बना देगा। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो गैमेट्स होते हैं वो दिखने में एक जैसे भी हो सकते हैं, जिन्हें बोलते हैं आइसोगैमस, और डिफरेंट भी हो सकते हैं, जिन्हें एनाइसोगैमस और ऊगैमस बोलते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर म्यूकर, ठीक है, म्यूकर इसका एग्जाम्पल है। देन राइजोपस है जो कि ब्रेड मोल्ड होती है, ब्रेड में मिलती है ना, ब्रेड के ऊपर लग जाती है जो। और एल्बिगो होता है, एल्बिगो क्या होती है, एक पैरासिटिक फंगी होती है जो कि मस्टर्ड में मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एस्कोमाइसिट्स की, कॉमनली नोन एज सैक फंगी। सैक का मतलब होता है बैग लाइक, ठीक है। तो ये जो एस्कोमाइसिट्स होते हैं ना, बैग की तरह दिखते हैं, अभी हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। द एस्कोमाइसिट्स आर मोस्टली मल्टीसेलर, ये मोस्टली मल्टीसेलर होते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। और रेयरली यूनिसेलर, तो फंगस यहाँ पे यूनिसेलर भी है, जैसे कि ईस्ट, ठीक है, उसका एग्जाम्पल है सैक्रोमाइसिस। दे आर सैप्रोफिटिक, सैप्रोफाइट मतलब जो कि डेड और डिकिंग से अपना खाना लेते हैं, फिर डिकम्पोजर्स होते हैं, ये पैरासिटिक भी होते हैं, और कोप्रोफिलस भी होते हैं, मतलब कि ये डंग में ग्रो करते हैं, काउ डंग के ऊपर ये ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, माइसीलियम जो रहता है वो कैसे रहता है, ब्रांच रहता है एंड सेप्टेट रहता है, मतलब इनमें डिविजन्स रहती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, और द एसेक्चुअल स्पोर्स आर कोनिडिया। तो एसेक्चुअल स्पोर्स का नाम क्या है, कोनिडिया, प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। अब समझो इसको, एसेक्चुअल स्पोर का नाम क्या है, कोनिडिया है।
ये कोनिडिया एक्सोजिनसली बनते हैं, मतलब बाहर से बनते हैं, किस पे? एक स्पेशल माइसीलियम में जिसका नाम होता है कोनिडियो फोर। अब इसको देखते हैं, ये है, ये वो माइसीलियम है, ठीक है। इस माइसीलियम का नाम क्या है? कोनिडियो फोर है। और इस कोनिडियो फोर के ऊपर क्या बनते हैं? कोनिडिया बनते हैं, जो कि एसेक्सुअल स्पोर है। तो ये ऊपर कोनिडिया ऐसे बन रहे हैं। फिर कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। अब ये जो कोनिडिया है, ये जर्मिनेट जब करता है तो ये नया माइसीलियम बना देता है, मतलब नया फंगस बना देगा। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स, विच आर प्रोड्यूस एंडोजिनसली इन सैक लाइक एसी, और एसी मतलब बहुत सारों को बोलेंगे, और सिंगुलर को बोलेंगे एस्कस। अभी हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं पूरा यहाँ पे। दीज एसी आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प्स। अब बात समझते हैं। देखो, हमने क्या पढ़ा है, ये सैक फंगी होती है, मतलब बैग की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। तो अगर आप इसको देखेंगे, ये इस तरीके से दिखेंगे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे दिखते हैं ये। तो उसका एक स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने बना के दिखा रखा है। अब यहाँ पे जो फ्रूटिंग बॉडी है उसका नाम क्या है? एस्कोकार्प है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये क्या है? एस्कोकार्प है, ठीक है, इतना क्लियर है। अभी जो एस्कोकार्प है, ठीक है, इस एस्कोकार्प के ऊपर एक आपको स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको क्या बोलते हैं? एस्कस, ठीक है ना, सिंगुलर। एक को बोलेंगे एस्कस और कई सारे को बोलेंगे एसी। तो ये मिल रहा है एस्कस। इस एस्कस में स्पोर्स बनेंगे जिसे बोलेंगे एस्कोस्पोर्स, ठीक है ना, ये ना एस्को स्पोर्स, जो कि सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो फ्रूटिंग बॉडी है उसका नाम क्या है? एस्कोकार्प है। उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? एस्कस मिलेगा। एस्कस से एस्को स्पोर्स इस तरीके से बनते हैं। सब एग्जाम्पल्स आर एस्परगिलस, ठीक है। तो एस्परगिलस का एग्जाम्पल हो जाएगा, फिर क्लेविसेप हो जाएगा, और न्यूरोस्पोरा हो जाएगा। अभी न्यूरोस्पोरा पे क्वेश्चन आता है। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। तो न्यूरोस्पोरा बहुत ज्यादा यूज होता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में। क्यों जेनेटिक वर्क में यूज होता है ये? क्योंकि जो न्यूरोस्पोरा होता है ना, इसकी एक तो लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है, दूसरा इसमें क्या होता है, जो रिसेसिव और डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं वो आसानी से दिख जाते हैं। अब ये जो टॉपिक है ना, ये आपने अगर आप 11th में है तो आपने 12th में पढ़ना है, और अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं 12th के बाद तो आपने ये पढ़ा होगा। आगे देखते हैं। मैनी मेंबर्स लाइक मोरल्स एंड ट्रफल्स आर इडेबल, ये खाए भी जाते हैं, ठीक है, इडेबल होते हैं, एंड आर कंसिडर्ड डेलिकेसियस, मतलब स्वादिष्ट होते हैं ये। क्लियर, ठीक है। तो वीडियो यार देखो, अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक, थैंक यू सो मच। आगे पढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेसिडियोमाइसीट्स की, ठीक है। कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसीट्स आर मशरूम। तो इसके अंदर क्या आते हैं? मशरूम आते हैं, फिर ब्रैक्ट फंगी हो गया, और पफ बॉल्स हो जाएंगे, ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं। दे ग्रो इन सॉइल और ऑन लॉक्स एंड ट्री स्टम्स एंड इन लिविंग प्लांट्स एज पैरासाइट। ये पैरासिटिक फॉर्म में भी रहता है लिविंग प्लांट्स में, जैसे कि रस्ट एंड स्मट, ठीक है। ये दो डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, इन्फेक्शन होते हैं, जो कि किस में होते हैं? प्लांट्स में होते हैं, और ये फंगस से होते हैं, रस्ट एंड स्मट। द माइसीलियम इज ब्रांच, ठीक है, माइसीलियम ब्रांच है एंड सेप्टेट है। द एसेक्सुअल स्पोर्स, अच्छा ये चीज ना ध्यान रखना यार, अगर इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो आप पीछे की वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि ना तो इसमें पता नहीं चलता कभी कभी कि ये ब्रांच सेप्टेट इसका मतलब क्या है, माइसीलियम क्या होता है, ठीक है। तो एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं मिलते हैं, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन की मदद से, कॉमनली फ्रेगमेंटेशन से होता है। द सेक्स ऑर्गन्स आर एबसेंट, इनमें सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं, बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप। अब इसको देखते हैं, देखो जीनोटाइप मतलब दो डिफरेंट है ना, है? इसको देखते हैं, समझते हैं। मान लो यहाँ पे फटाफट बनाते हैं, ये मैंने पीछे की वीडियो में भी बता रखा है, ऐसे दो मशरूम है, ठीक है, ग्रो कर रही है मशरूम, इससे ये क्या निकल रही है? माइसीलियम इस तरीके से हो गई। इधर भी ये क्या हो गई? मशरूम, इसमें माइसीलियम निकल रही है। अब ये जो माइसीलियम है, ये ना दो, देखो दो डिफरेंट क्या है, क्या बोलते हैं, मशरूम है, और इन मशरूम के ये माइसीलियम आपस में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे माइसीलियम के जो सेल होंगे, इसके माइसीलियम का सेल और इसका माइसीलियम का सेल, ये आपस में मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं, ये वो दे रखा है, ये एक दूसरे मशरूम का माइसीलियम का सेल है, ये दूसरे मशरूम के माइसीलियम का सेल है, ये मिलेंगे, तो इसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी, ठीक है, ये सेल मिल जाएंगे। जैसे ही सेल मिलेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसके अंदर ना दो न्यूक्लियस होंगे, ठीक है ना, दो न्यूक्लियस होंगे। तो ये इस स्टेज को बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज, मतलब एक ही सेल में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो डाइकैरियोटिक स्टेज हो गई, ठीक है।
अब ये जो डाइकैरियोटिक स्टेज होती है, इसमें जो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है बेसिडियम। ठीक है, ये बेसिडियम यहाँ पे बन गया। बेसिडियम में अब होगा कैरियोगैमी। कैरियोगैमी का मतलब होता है जो ये दो न्यूक्लियस है ना, ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे, मिल जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा, एक ही न्यूक्लियस मिलेगा जो कि डिप्लॉइड होगा। समझ गए ना, जब दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस मिलेंगे, एन एन मिलेंगे, तो क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड न्यूक्लियस हो जाएगा, मतलब 2n हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अब यहां पे ये जो बेसिडियम है, ठीक है ना, इस बेसिडियम में क्या होगा, पहले तो कैरियोगैमी होगा। कैरियोगैमी से क्या हो जाएगा, दो न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियस हो जाएगा। फिर इसी बेसिडियम में मियोसिस होगा, और मियोसिस होने से यहां पे बनेंगे बेसिडियोस्पोर्स, और ये बेसिडियोस्पोर्स जर्मिनेट करने के बाद नए माइसिलियम, मतलब नए फंगस बना देंगे। ठीक है, वैसे ये चीज डिटेल में पीछे भी हमने पढ़ी थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज, अब इसको पढ़ लेते हैं। रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जो ये बनेगा, ये कैसा होगा, डाइकैरियोटिक, मतलब डाइकैरियोटिक स्टेज वाला, विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। इससे बेसिडियम यहाँ पे बन जाएगा। फिर कैरियोगैमी होगा उसमें, और मियोसिस होगा, टेक प्लेस इन द बेसिडियम, रिजल्टिंग इन फोर बेसिडियो स्पोर्स। द बेसिडियो स्पोर्स आर एक्सोजिनियसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम। तो बेसिडियम के ऊपर बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, देन आगे क्या है, बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियो कार्प्स। अब देखो इसको समझना, हमने क्या पढ़ा, ये बेसिडियम बन जाता है और इस बेसिडियम से यहाँ पे स्पोर्स बन जाते हैं, ये हमने पढ़ा। बट हमने एक बेसिक चीज पढ़ी है कि जो भी फंगस होती है, उस फंगस में ना क्या होती है, फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं, और वो फ्रूटिंग बॉडीज क्या बनाती है, स्पोर्स को बनाती है। बट इस केस में फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसे बोल रहे हैं बेसिडियम। ठीक है ना, समझ रहे हो ना, फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर एक स्ट्रक्चर है बेसिडियम, और वो स्ट्रक्चर फिर यहां पे स्पोर्स को बना रहा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। सम कॉमन मेंबर्स आर एगेरिकस, जो कि मशरूम कहलाता है, यूटिलागो होता है जो कि मस्ट, मतलब मस्ट वगैरह करता है, ये इन्फेक्शन करता है। फिर पुसीनिया हो गई, ये भी रस्ट करता है, रस्ट फंगस इसको बोलते हैं, इन्फेक्शन करता है प्लांट्स में। अब पढ़ते हैं ड्यूटेरोमाइसिट्स के बारे में। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं। कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगी बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंगी आर नोन। ठीक है, तो जो ड्यूटेरोमाइसिट्स रहते हैं ना, ये बेसिकली इनमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव फेज होता है। मतलब सीधी बात यह है कि ड्यूटेरोमाइसिट्स में जितने भी फंगी है उनमें सेक्चुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसलिए इनको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंगी। वेन द सेक्चुअल फॉर्म ऑफ दीज फंगी वर डिस्कवर्ड, दे वर मूव्ड इन टू क्लास दे राइटली बिलोंग। अब देखो हमने क्या बोला, ड्यूटेरोमाइसिट्स के अंदर वो फंगी आते हैं जिनमें सिर्फ क्या होता है, ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। अब मान लो जब बाद में स्टडी हुई धीरे धीरे, तो पता चला कि ड्यूटेरोमाइसिट्स के अंदर कुछ ऐसे भी फंगस हैं जो कि सेक्चुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो जब पता चला कि ये ड्यूटेरोमाइसिट्स के अंदर ऐसे फंगस है जो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको ड्यूटेरोमाइसिट्स से निकाल के दूसरे ग्रुप्स में या दूसरे क्लासेस में डाल दिया गया। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम एंड प्लेस अंडर ड्यूटेरोमाइसिट्स। ठीक है, तो सीधी बात वही है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव स्टेज वाले जो प्लांट जो फंगस हैं उनको सिर्फ ड्यूटेरोमाइसिट्स में रखा जाएगा, और जो सेक्चुअल वाले हैं, सेक्चुअल स्टेज वाले जो होंगे, उनको दूसरी क्लास में रखा जाएगा। बात समझ रहे हो ना, ड्यूटेरोमाइसिट्स बाकी से अलग है क्योंकि इसके अंदर जो भी फंगस है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। लेटर व्हेन द लिंकेज वर एस्टैब्लिश्ड, द फंगी वर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव आउट ऑफ ड्यूटेरोमाइसिट्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया, बाद में जब पता चला कि फंगस, कुछ फंगस जो ड्यूटेरोमाइसिट्स के अंदर है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है, उनको वहां से मूव आउट कर दिया, उनको वहां से निकाल दिया। वन परफेक्ट सेक्चुअल स्टेज ऑफ मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिट्स वर डिस्कवर्ड, दे वर ऑफन प्लेस टू एस्कोमाइसिट्स एंड बेसिडियोमाइसिट्स। तो लिखा भी है ड्यूटेरोमाइसिट्स के ऐसे फंगस जो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन दिखा रहे थे ना, उनको मूव ऑन करके एस्कोमाइसिट्स और बेसिडियोमाइसिट्स में डाल दिया। द ड्यूटेरोमाइसिट्स रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, जो ड्यूटेरोमाइसिट्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स की मदद से, जिनको बोलते हैं कोनिडिया। ठीक है, द माइसिलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, हो गया यहाँ तक। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स होते हैं, ये सब हमने वर्ड काफी बार पढ़ लिए तो मैं इसे फटाफट कर देता हूँ। पैरासाइट्स होते हैं,
वाइल ए लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर, ज्यादातर इसमें डिकम्पोजर होते हैं जो लिटर पे लिटर को डिकम्पोज करते हैं, मतलब जो कूड़ा कबाड़ा होता है उसको, और फिर ये मिनरल रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं। कुछ एग्जाम्पल इसके जो है क्या है, वो है अल्टरनेरिया, कॉलिट्रोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। अच्छा, ये जो ट्राइकोडर्मा है ना, ये स्किन इन्फेक्शन करता है ह्यूमंस में। ओके, तो फंगस हमने फाइनली ख़त्म कर दें, तो बस वही यार, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इट विल हेल्प मी अलॉट, ठीक है ना। और जब यार देखो आप, मतलब जब भी व्यूज़ बढ़ते हैं ना चैनल पे, तो अपने आप को हिम्मत मिलती है अंदर से कि यार और मेहनत करी जाए, ठीक है। तो बस आपका छोटा सा यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।